तुम थोड़ा। बिलारी में कल लड़कियों का अगवा करने की घटना हुई थी, उसका पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए कल शाम को 6 बजे थाना बिलारी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति हैं जो आशय करके हैं, सन ऑफ हरिराम, इन्होंने ये चुंडारा क्षेत्र के आसपास आए यहाँ पे, और यहाँ पे दो नाबालिग लड़कियों को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके गए एवं इनके साथ में जो गलत काम किया। एक लड़की को तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी लड़की को लेके गए थे, और घर वालों ने जब उस लड़की को बरामद किया तो उन्होंने बताया कि इसके साथ में गलत काम हुआ। तुरंत थाना बिलारी पे जो है इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसमें विभिन्न टीमों का गठन किया गया, SOG की टीम भी लगाई गई एवं थाना बिलारी और थाना कुंदरकी की टीमें लगाई गई जिसको पहुँचने के प्रयासों में। आज जब हमको मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि जो आशय हैं जो फिलहाल सैफनी का रहने वाला है आज इधर चुंडारा क्षेत्र में आया है, पुलिस टीम ने जब इसको घेरने की कोशिश की तो इसने क्रॉस फायरिंग करी, वहाँ पर फायरिंग में इसके घायल हुआ है, इसके पैर में चोट लगी है, इसके पास से दो कारतूस, दो खोखे, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल जो घायल हैं उनको उपचार के लिए हमने हायर सेंटर मुरादाबाद में भेज दिया गया है एवं अन्य विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। सर, इसमें कितने मुकदमे हैं? देखिए इसमें टोटल अभी जो हमें आपराधिक इतिहास इसका ज्ञात हुआ है उसमें टोटल 11 मुकदमे इसके ऊपर हैं, जो कि विभिन्न जो जिले हैं रामपुर के भी हैं एवं संभल के भी हैं, कई जिलों में इसके द्वारा आपराधिक कृत्य किए गए हैं। तो फिलहाल अभी 11 मुकदमे हैं, बाकी इसमें और छानबीन की जा रही है। ज्यादातर मुकदमे सर किस तरह के हैं? इनमें अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं, रेप के भी मुकदमे हैं एवं चोरी के मुकदमे हैं, टप्पेबाजी के मुकदमे, तो अलग अलग तरीके के मुकदमे इसके पंजीकृत हैं।